दोस्तों आपने गाना जरूर सुना होगा, प्यार तूने क्या किया, इसी के ऊपर मैंने एक गाना बनाया है। SBI तूने क्या किया, SBI तूने क्या किया, एक ही पल में हमारी छीनी तूने खुशियां, छीनी तूने खुशियां। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि SBI ने सच में हमारी खुशियां छीन ली है। कैसे, आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिए अगर आप एक SBI के सिंपली क्लिक कार्ड होल्डर हैं, क्योंकि इस कार्ड पे एक बड़ा डीवैल्यूएशन हुआ है जो कि आपको जानना जरूरी है। अब आपको उतने ज्यादा कैशबैक नहीं मिलने वाले इस कार्ड पे, लेकिन इस डिवेल्युएशन के बावजूद भी ये कार्ड मेरी पसंद में शामिल है। वो क्यों आपको आगे बताऊंगा। चलिए आपको बताते हैं क्या ऐसा हुआ है इस कार्ड में, क्या कांड कर दिया SBI ने जिसके लिए मुझे ये गाना गाना पड़ा। तो वीडियो को प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर से दबा लीजिए, साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए ताकि हर तरह के लूट ऑफर्स की अपडेट्स आपसे कभी भी मिस ना हो। आप देख सकते हैं मेरे पास दो दो SBI के सिंपली क्लिक कार्ड है। इन कार्ड्स का मैंने काफी ज्यादा फायदा उठाया है। इन स्क्रीनशॉट में देखिए कितने सारे Amazon के गिफ्ट कार्ड्स आज तक मैंने अपने SBI कार्ड से लिए हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन अब ये Amazon के गिफ्ट कार्ड SBI सिंपली क्लिक कार्ड से लेना आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों SBI ने Amazon गिफ्ट कार्ड लेने पे कैशबैक काफी कम कर दिया है। पहले दोस्तों SBI के सिंपली क्लिक कार्ड से आप अपनी कार्ड की लिमिट को भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, सपोज भारत NXT या पेटीएम के थ्रू, तो आपको 1.25% के रेट से कैशबैक मिल जाता था इस कार्ड पे। फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपए की लिमिट आप भारत NXT या पेटीएम को यूज करके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो 40,000 रुपए आपको 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते थे। 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके आप 500 रुपए का Amazon का गिफ्ट कार्ड बड़ी आसानी से SBI कार्ड के एप्लीकेशन से रिडीम कर सकते थे। लेकिन अब आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देखिए 500 का Amazon गिफ्ट कार्ड रिडीम करने के लिए अब आपको 2,000 नहीं 2,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अब आप 50,000 रुपए सेंड करेंगे क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में, तब आपको ये 500 रुपए का Amazon गिफ्ट कार्ड मिलेगा। यानी कि 1.25% कैशबैक से कम करके इन्होंने इसे 1% कर दिया है, जो कि एक बड़ा डीवैल्यूएशन है। अब 1% कैशबैक तो आपको Amazon ICICI कार्ड में भी मिल जाता है, कहीं भी आप यूज कीजिए फ्लैट 1% का कैशबैक मिलता है। उसी कैटेगरी में अब SBI का सिंपली क्लिक कार्ड भी आ गया है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप दूसरे कोई वाउचर्स लेते हैं जैसे कि बुक माई शो का, उस केस में आपको अभी भी 1.25% का ही कैशबैक मिलेगा। यानी कि 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करके आप 500 का बुक माई शो का गिफ्ट कार्ड ले सकते हैं। देखिए मैंने भी अभी 2 दिन पहले 2 500 के बुक माई शो के गिफ्ट कार्ड रिडीम किए हैं। मैंने 40,000 रुपए के 2 पेमेंट्स SBI सिंपली क्लिक कार्ड से बैंक अकाउंट में लिए थे, 2,000 मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले थे। मैं Amazon गिफ्ट कार्ड रिडीम करने जा रहा था पर मेरा Amazon गिफ्ट कार्ड रिडीम ही नहीं हो रहा था। मुझे उस समय पता नहीं था कि 2,000 की जगह इन्होंने 2,500 पॉइंट्स कर दिए हैं। मैंने कस्टमर केयर में फोन किया, उन्हें भी इसके बारे में नहीं पता। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट ले ली और बोले ये कुछ एरर होगा, हम ठीक कर देंगे। बाद में जब मैंने SBI ऐप ओपन करके देखा तब मेरा माथा ठनक गया। वहां दिखाई दे रहा है 2,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स पे अब आप 500 का Amazon गिफ्ट कार्ड ले सकते हैं। इसलिए मैंने बुक माई शो के वाउचर्स ही ले लिए, जो कि मुझे 500 के गिफ्ट कार्ड मिल गए 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करने पे। तो ये एक डीवैल्यूएशन है जो SBI सिंपली क्लिक कार्ड पे हुआ है। इसके अलावा और सब कुछ एज इट इज है। अभी आप कार्ड अप्लाई करते थे वेलकम बेनिफिट के तौर पे आपको 500 का Amazon गिफ्ट कार्ड मिलता है। इन सभी मर्चेंट्स पे आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ऑफलाइन स्पेंड्स करते हैं तो वहां पे 1x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ऑनलाइन इन सब मर्चेंट्स के अलावा कहीं भी स्पेंड करते हैं तो 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। बाकी सभी कुछ एज इट इज ही है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो आप ये कार्ड बनवा सकते हैं। इस कार्ड को अप्लाई करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये कार्ड आराम से अभी सबको मिल भी जाता है। और अगर आप साल में 1,00,000 रुपए इस कार्ड से स्पेंड कर लेते हैं तो आपको 2,000 रुपए का क्लियर ट्रिप का गिफ्ट कार्ड मिलता है। और एडिशनल 1,00,000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो और एक 2,000 रुपए का क्लियर ट्रिप का गिफ्ट कार्ड मिलता है। यानी 4,000 रुपए का प्रॉफिट आपको 2,00,000 रुपए के स्पेंड पे हो जाता है। और 1,00,000 रुपए पूरे साल में आप इस कार्ड से स्पेंड कर लेते हैं तो
तो आपकी एनुअल फीस भी वेव ऑफ हो जाती है। इन केस अगर आप एनुअल फीस वेव ऑफ नहीं करवा पाते हैं तब भी ट्रिक है, आप इनके कस्टमर केयर में कॉल करके भी एनुअल फीस को वेव ऑफ करवा सकते हैं, आराम से एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाती है। उसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। तो बस दोस्तों यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था SBI सिंपली क्लिक कार्ड के इस डीवैल्यूएशन के बारे में। वैसे इस कार्ड से आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन की सेल के दौरान जो 10% का डिस्काउंट मिलता है वो आराम से मिल जाता है और आपको अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्निंग हो जाती है इस कार्ड पे। तो आज ही अपना ये कार्ड बनवा लीजिए। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को एक लाइक करना ना भूले।